नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाइट एजुकेशन में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि सभी कोई अपनी तैयारी में लगे होंगे। जी हाँ, बिहार दरोगा मेंस की तैयारी हम आपके साथ जुड़कर कर रहे हैं। आज सेट नंबर लेकर आए हैं आपके लिए 103। जी हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों, इसके अलावा हम लोगों ने एक वीडियो और दिया है, जो कि दोपहर में आपको ये वीडियो दिया जा रहा है स्टैटिक जीके का, जहाँ पे आज हमने कवर किया है दोस्तों राज्य के राज्यपाल, राजधानी और मुख्यमंत्रियों के बारे में। जी हाँ, ये अपडेट 14 जून तक का है। इसके बाद जो भी हो आप देख सकते हैं इस वीडियो को जाके, वहाँ पे सारे क्वेश्चन आंसर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को खासकर जरूर देखिएगा, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के, ताकि ऐसे ही पल पल की अपडेट आप तक सबसे पहले हम अपने चैनल के माध्यम से पहुँचाते रहें। चलिए आज का सेट देखते हैं। आज के सेट में कितने क्वेश्चन आपको यहाँ पे करने होंगे? जी हाँ, इन 50 प्रश्नों में सेट का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हिमालय पर्वत के अलावा भारत की उच्चतम श्रृंग कौन सा है? हिमालय पर्वत के अलावा भारत का उच्चतम श्रृंग कौन सा है? तो यहाँ पे आप आंसर कर दीजिएगा दोस्तों, इट्स अ डी अन्नाईमोड़ी। नोट कर लीजिएगा, इट्स अ डी अन्नाईमोड़ी। क्योंकि देखिए, मैं आपको बात करूँ अगर अरावली पर्वत की, तो अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। ठीक, पश्चिमी घाट की अगर बात करें तो पर्वत का दूसरा नाम सह्याद्री है। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी सबसे ऊंची चोटियों की, तो केंद्रमुख यहाँ पे नाम है उसका। लेकिन नीलगिरी की पहाड़ियों की अगर हम बात करें दोस्तों, जहाँ पे अन्नाईमोड़ी यहाँ पे है, ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियों की बात करें तो तमिलनाडु और केरल में ये स्थित है, और यह मुख्यतः चारकोइनाइट पठार में बनी हुई है। कितना? चारकोइनाइट पठार में। ठीक है, इसका नाम है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो डोडा बेटा, ये आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें हिमालय पर्वत की अलावा भारत की उच्चतम पूछा गया है, अलावा बोला गया है इसके अलावा, तो अन्नाईमोड़ी जो है दोस्तों सबसे ऊंची चोटी है इसकी। चलिए भारत की क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं दोस्तों, आंसर कीजिएगा। ऐसे आकाशीय पिंडों को जो कि ग्रहों से सबसे छोटे है ना, बहुत छोटे होते हैं, जिनकी कक्षाएं मंगल और बृहस्पति के बीच होती हैं, वो क्या कहलाते हैं? देखिए, मंगल और बृहस्पति के ग्रहों की कक्षाओं के बीच में अगर देखा जाए दोस्तों, कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड है, जी हाँ, जिसको हम लोग कहते हैं एस्टीरॉयड्स। क्या कहते हैं? इट्स ए, एस्टीरॉयड इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिएगा, ये भूगोल से प्रश्न है और यहाँ पे हर क्वेश्चन मिक्स रहते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, हर तरह के क्वेश्चन आपको मिक्स मिलेंगे, इसलिए सेट देखना आप लोग बिल्कुल ना भूलेंगे रोज। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, भारत सरकार के वार्षिक कर राजस्व किस स्रोत से सर्वाधिक प्राप्त होते हैं? आंसर कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है बिहार दरोगा में, और ये जितने भी क्वेश्चन आज का सेट है, ये पिछले ईयर के क्वेश्चन से कुछ मैच करता हुआ सेट बनाया गया है, तो आंसर करके जरूर जाएंगे। चलिए आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, कि भारत में प्रगतिशील आयकर प्रणाली जो है, अर्थात आय में वृद्धि के साथ साथ दर में भी वृद्धि होती है, तो यहाँ पे आंसर क्या कर लेंगे? आय और निगम कर में। ठीक है, आंसर क्या कर लेंगे? इट्स ए। जी हाँ, पूछा गया है कि कर राजस्व का किस स्रोत से सर्वाधिक प्राप्त होता है, तो आय और निगम के स्रोतों से। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, चलिए आंसर कीजिएगा आप भी। देखिए, जितने लोग नए जुड़ रहे हैं, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और हमारे साथ जुड़कर यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, सभी को यहाँ पे गुड इवनिंग है भाई, जितने लोग जुड़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और सभी को यहाँ पे ऑल द बेस्ट है आपके आने वाली एग्जामिनेशन के लिए, अगर बिहार सरकार लेती है तो। दोस्तों, यहाँ पे सशर्त उपलब्धियों प्रणालियों का निकट का संबंध निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र से है? आंसर करेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे दोस्तों। देखिए, व्यक्तियों के बीच में अगर बैंकिंग प्रणाली को देखा जाए, तो दोस्तों आदतें बढ़ाने के उद्देश्य से सन 1964 में, आप डेट नोट कर सकते हैं, सन 1964 में भारतीय यूनिट का ट्रस्ट का स्थापना किया गया। फिर नोट कीजिएगा यहाँ पे, रिजर्व बैंक के ने मौद्रिक गतिविधियों को भी यहाँ पे नियंत्रण किया। फिर नोट कीजिएगा एक पॉइंट यहाँ पे, 1854 में, ये भी आप उससे पहले का थोड़ा सा डेट है, 1854 में ये पहली बार डाक टिकट का प्रचलन भी किया, भारत में शुरू किया गया। ठीक है, तो इन सब के बारे में जान गए, लेकिन सशर्त उपलब्धियों की बात करें अगर हम यहाँ पे, तो निकट का संबंध निम्नलिखित में से यहाँ पे किससे है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, केवल टीवी नेटवर्क से है। इट्स अ बी इज द राइट आंसर। नोट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं दोस्तों। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? चलिए, ये क्वेश्चन तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको, आप भी आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर कमेंट कीजिएगा। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रखेंगे, इट्स अ सी, पत्रकारिता के क्षेत्र में, सी। जी हाँ, आइंस्टाइन पुरस्कार यूनेस्को विद्यालय में विज्ञान के पाठ के लोकप्रिय बनाने की दिशा में ये विशेष योगदान हेतु है। और दोस्तों, एमी पुरस्कार जो है, वो एमी पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ से, जो कि सर्वोच्च टेलीविजन पुरस्कार होता है, 1961 से दिया जा रहा है। और पुलित्जर पुरस्कार की अगर बात की जाए दोस्तों, यहाँ पे
तो यह पुरस्कार जो है कोलंबिया विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। पत्रकारिता, साहित्य, संगीत और विभिन्न क्षेत्रों में इन विद्यालयों में एकेडमिक के लिए यहाँ पे दिया जाता है। इसमें आपको करीब $10,000 भी राशि दी जाती है। कितने? $10,000। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, पुलित्जर पुरस्कार बहुत ही फेमस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। एलिफेंटा दर्रा जो कि बहुत चर्चित है, कहाँ स्थित है? देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है बिहार दरोगा में, तो आंसर कीजिएगा जल्दी से। एलिफेंटा दर्रा है ना, ये यहाँ पे आंसर कीजिएगा, कहाँ पर चर्चित है ये, कहाँ स्थित है ये? बहुत सही उत्तर कर रहे हैं दिया। देखिए एलिफेंटा दर्रा जो है दोस्तों श्रीलंका में है, नोट कर सकते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट ही आ सकता है। एक दोस्तों अगर हम भारत की बात करें तो कुछ दर्रों के नाम आपको याद रखने होंगे, जैसे कि काराकोरम दर्रा, लिख लीजिए मैं बोल रहा हूँ, आप लोग कॉपी कलम अगर लेके बैठे हैं तो, जम्मू कश्मीर में है काराकोरम। जोजिला दर्रा कहाँ है? तो वो भी जम्मू कश्मीर में है। सिपिका दर्रा कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। दोस्तों नाथुला दर्रा तो सिक्किम में है, और तुज्जू दर्रा वो मणिपुर में है। तो ये सारे टॉपिक जो मैं अलग से बता रहा हूँ ना, इसको नोट करते रहिएगा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। थोड़ा सा यहाँ बोलिएगा, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स SDI का क्या है यहाँ पे मतलब? जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा सा मैं यहाँ पे, आप तो चारों ऑप्शन दिख सके यहाँ पे। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का यहाँ पे क्या है? तो विभिन्न देशों की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति का राष्ट्रीय आय, साक्षरता आदि के आधार पर आकलन करने का मापदंड है। बिल्कुल उत्तर सही कर रहे हो अगर आप लोग उत्तर ए कर रहे हैं तो। दोस्तों अगर आप बात करें किसी भी देश का आधारभूत मानवीय आवश्यकता की औसत प्रति जैसा होता है, लोगों की जीवन प्रत्याशा, साक्षरता, उसके अच्छे रहन सहन, ये SDI के तहत आता है दोस्तों, जो कि एक सूचकांक के द्वारा यहाँ पे बताया जाता है, यह मानव विकास सूचकांक, ठीक है, नोट कर सकते हैं, इट्स एट SDI। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं दोस्तों। बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक क्या होता है? ये तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है। बर्फ पर अगर दाब दिया जाए है ना, प्रेशर दिया जाए, तो उसका गलनांक क्या होगा? तो वो घटेगा। जी हाँ बिल्कुल, आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा दोस्तों, इट्स घटेगा, घाट लिख दिया गया है यहाँ पे, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, माफ़ कीजिएगा। चलिए आंसर क्या होगा? इट्स ए, घटेगा, नोट कर सकते हैं यहाँ पे आप लोग। जी हाँ, गलनांक पर दाब का प्रभाव, वे पदार्थ जो कि पिघलने पर संकुचित होते हैं, उन पर दाब जो हो अगर बढ़ाने पर उसका गलनांक जो है वो कम हो जाता है, जैसे कि बर्फ, या फिर ढलवा लोहा का भी एग्जांपल ले सकते हैं आप लोग, ठीक है, ढलवा लोहा या बिस्मिथ के भी एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे। ये सारे क्या होंगे? इस पर दबाव डालने पर इनके गलनांक पे यह घटेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? ये भी क्वेश्चन बिहार दरोगा और BPSC दोनों में पूछा गया है। जी हाँ, कारण क्या है? तो परिकीर्णन होता है। जी हाँ, डी उत्तर कर लीजिएगा आप लोग यहाँ पे। सूर्य के उगते और डूबते समय परिकीर्णन की क्रिया होती है, जिसमें कि वो लाल दिखाई देता है हमें सूर्य। जब सूर्य उगता है या डूबता है तो उसे प्रकाश को हम लोग क्या कहते हैं? जी हाँ, वायुमंडल में धूल आदि कणों से क्या होता है? इसका परिकीर्णन होता है, जिसके चलते ये हमें लाल दिखाई देता है। दोस्तों सूर्य की आराधना की जाती है बिहार में, जिसे कि हम लोग छठ पूजा के समय इनको पूजनीय मानते हैं। जब इनका उदय होता है तो आप लोग देखते होंगे लालिमा छाई रहती है सूर्य पे, तो इसका ध्यान रखिएगा, वो लालिमा ना कि सूर्य की अपनी होती है वो, बल्कि परिकीर्ण के चलते होती है। क्योंकि अन्य रंगों की तुलना में लाल रंग सबसे यहाँ पे प्रकाश का परिकीर्ण कम होता है, इसलिए हमें वो, अतः हम तक पहुँचने वाला जो प्रकाश है वो लाल रंग का अधिकाय मतलब अधिकतर दिखता है वो, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या करेंगे? परिकीर्ण। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं दोस्तों। ये भी क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, चलिए किस तरह से जोड़े जाते हैं, मतलब किस सीरीज में जोड़े जाते हैं? जो घरों में बिजली की सप्लाई होती है वो किस सीरीज में होती है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ चुका है एग्जाम में, आंसर जरूर करके जाइएगा। देखिए एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रखा गया है यहाँ पे, क्वेश्चन नहीं कीजिएगा तो घाटा है, इसलिए भाई मेरे प्लीज़ पढ़िए, घर बैठे हैं तो लॉकडाउन में पढ़िए, सारा का सारा थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ जाइएगा ना, तो ये सारे क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे, हर एक सेक्शन से एक एक दिन बुक उठाइए, एक एक चैप्टर का सीरीज का, और लगातार पढ़िए। वीडियो हम लेकर आएंगे आपके लिए टेस्ट सीरीज डेली शाम को 8 बजे। वीडियो कैसा लगता है एक लाइक और शेयर करके जरूर बताएगी आप लोग यार, ठीक है। घरों में विद्युत संयंत्र दोस्तों समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, बी इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। इसकी आवृत्ति कितनी होती है ये आपको पता है क्या? 50 हर्ट्ज, नोट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और ये AC, जी हाँ AC धारा प्रवाहित करते हैं, और कम से कम 220 वोल्ट घरों में दी जाने वाली विद्युत धारा होती है, 220 वोल्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। लोहे में जंग लगना एक प्रक्रिया है, देखिए ये RRB का क्वेश्चन है एक्चुअली ये, ठीक है, तो आप भी आंसर कीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन आंसर देख जाइएगा।
लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन होता है। बिल्कुल उत्तर सही कर रहे हैं आप लोग, अगर उत्तर कर रहे हैं बी यहाँ पे। चलिए फटाफट आंसर करते हैं, और जितने भी भाई लोग नए जुड़ रहे हैं अभी प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को कम से कम। चलिए, लोहे का जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों। लोहे पर जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और लोहे में जंग लगने से जो पदार्थ बनता है उसको क्या कहते हैं, तो फेरसोफेरिक ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, तो फेरसोफोरिक ऑक्साइड होता है वो। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं दोस्तों। फॉरेनहाइट तथा सेल्सियस माप में किस तापमान पर पाठ्यांक जो है समान होगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट है, फॉरेनहाइट तथा सेल्सियस माप पर किस तापमान पर पाठ्यांक जो है वो समान होगा। बिल्कुल उत्तर सही कीजिएगा अगर आप उत्तर कर रहे हैं डी, यह -40 डिग्री पे, ठीक है, इज़ द राइट आंसर। डी इज़ द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। जी हाँ, तीनों प्रकार के थर्मामीटर यहाँ पे नियत बिंदु और उच्च नियत बिंदु के बीच की दूरी का समान रहता है दोस्तों यहाँ पे, इसलिए ये भिन्न भिन्न संख्याओं में होते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पे अब 13। ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है, आंसर कीजिएगा ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। ये देखिए मैं कुछ आपको तथ्य यहाँ बताने वाला हूँ, फिर से आप लोग नोट कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा तो स्टील में होती है, याद रखिएगा, बी उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन जो माध्यम अगर वायु रहे है ना, यानी कि हवा में, तो कम से कम 332 डिग्री सेल्सियस होती है। भाप में जहाँ पे 100 डिग्री भाप अगर है तो 405, लिख लीजिएगा ये लोग, ठीक है, 405 डिग्री सेल्सियस ध्वनि की चाल होगी वहाँ पे। अल्कोहल अगर हो तो उसमें ध्वनि की चाल कम से कम 1213 क्या होगा, तो डिग्री सेल्सियस में होगा। कांच अगर हो, कांच अगर है ना शीशा, तो 5640, नोट कर लीजिएगा। लोहा में 5130, ठीक है, डिग्री सेल्सियस पर इसका ध्वनि का चाल होगा। जल में 1493, लिखते जाइए इसको, सारा जो चीज़ बता रहा हूँ। पारा अगर है पीबी तो वहाँ पे 1450, ठीक है, एल्युमिनियम है तो 6420, सबसे ज़्यादा इसी में होता है, नोट कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में सबसे कम होता है 260, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में इन सब से रिलेटेड, तो इसको आप लोग नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं दोस्तों। सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ चुका है एग्जाम में ये भी। सोडियम को मिट्टी के तेल में, हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है इसलिए रखा जाता है, बी उत्तर कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, N2O की सतह जम जाती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित CO2 के साथ संयोजन करता है और सोडियम कार्बोनेट बना लेता है, यही कारण से सोडियम धातु को किरोसिन तेल के, जी हाँ, धरती के अंदर यानी कि मिट्टी में दबा के रखा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15 पे चलते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन आ चुका है भी, देखिए सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया है, देखिए आंसर कर लीजिएगा यहाँ पे, इट्स अ सी, जी हाँ, एडवर्ड जेनर ने किया है। सी जिनका उत्तर आ रहा है बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ और हैं, जैसे कि टेरामाइसिन का आविष्कार किसने किया है, टेरामाइसिन का, तो फिनेल ने किया है, याद रखिएगा फिनेल ने किया है दोस्तों। उसके अलावा पोलियो का वैक्सीन किसने बनाया था, पोलियो का वैक्सीन कौन बनाया था, तो जोन्स ई साल्क ने बनाया था, जोन्स ई साल्क ने बनाया था। अच्छा, गर्भ निरोधक गोलियां जो होती हैं महिलाओं के लिए जो, जी हाँ, उसको किसने बनाया था, इसका खोज किसने किया, याद रखिएगा पिनकस उनका नाम था, ठीक है। अच्छा, विटामिन का जो आविष्कारक है वो कौन है, तो वो भी याद रखिएगा सी फंक। तो ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको अलग से बताई वो आप लिख लीजिए इसको अलग से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है, जल्दी से आंसर कर देंगे, RBC, जी हाँ, रेड ब्लड सेल्स इज द राइट आंसर, लाल रुधिर कण, नोट कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षियाँ जो हैं ये RBC में केंद्रित होती हैं, यहाँ का इनका केंद्रक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है, तो आपका जो हार्ट बीट है वो धड़कता है 0.8 मिनट में 72 बार, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, जी हाँ, एक सामान्य और स्वास्थ्य मनुष्य का हृदय विश्राम की अवस्था में एक मिनट में कम से कम 32 बार धड़कता है, देखिएगा, सुन लीजिए, पर कड़ी मेहनत या कसरत फलस्वरूप यह धड़कन एक मिनट में 180 बार चला जाता है। लेकिन अगर हृदय की धड़कन की बात करें तो लगभग 70 मिलीमीटर रुधिर पंप के जरिए यहाँ पे इसका क्या होता है, आयतन जो है वो स्ट्रोक आयतन कहलाता है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आंसर वैसे आप सी कर लीजिएगा, जी हाँ, 0.8 मिनट, ओके। चलिए ये क्वेश्चन समझिएगा, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है,
तो यहाँ पे आंसर करेंगे इट्स अ सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। दोस्तों पश्चिम में पूरब की ओर हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? चलिए आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का, जल्दी से आंसर करेंगे। पश्चिम में पूरब की ओर से हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? आंसर करेंगे इट्स ए सिंधु घाटी लेकर दिहांग घाटी तक, आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों नोट कर लीजिएगा। जी हाँ, ये क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में, देखिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन है भाई, छोड़ना एकदम नहीं है बिल्कुल, ठीक है। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आंसर क्या करेंगे, सिंधु घाटी से लेकर दिहांग घाटी तक। ओके, आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से वह जानवर कौन सा है जो कि भारत में हाल ही में लुप्त हो गया है? तो ये बहुत कम संख्या हो गई है इनकी, ठीक है, तो याद रखेंगे इट्स अ बी चीता, ठीक है। आंसर क्या करेंगे, भारत में वन्य जीवन की सुरक्षा के लिए दो प्रकार के निवास स्थल बनाए गए हैं जिनमें कि पशु विहार और राष्ट्रीय उद्यान दोनों को रखा गया है, जिनमें कि चीता जो है वो सबसे कम जानवर पाया गया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार है? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कर दीजिएगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से किस संसद गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार है? देखिए पॉलिटी से क्वेश्चन आए तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, पॉलिटी जो है सबसे इजी टॉपिक होता है और सबसे आसान यहाँ पे अगर आंसर करना है तो, वैसे मेरे हिसाब से, बाकी लोगों को पसंद नहीं आता है पॉलिटी बहुत जो लोगों को, ठीक है। तो अपने संविधान को जरूर पढ़िए, अगर आप लोगों को पढ़ने का मौका मिलेगा भी तो संविधान एक बार जरूर पढ़िएगा, बहुत ही ज्ञानवर्धक है वो, ठीक है। जरूर एक बार आप लोग बुक उठाइए संविधान का, बहुत सारे तथ्यों में दिए गए उनके क्या क्या किए गए थे शुरुआत से, क्या क्या बदलाव किए गए, कौन से अमेंडमेंट किए गए, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं। अगर आप देखिए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन नॉलेज के लिए, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अपना संविधान जरूर पढ़ना चाहिए और एक बार भगवद गीता भी जरूर पढ़ लिया करें। भले आप किसी भी धर्म समुदाय से हैं ये कोई यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप एक बार भगवद गीता भी जरूर पढ़ें, उसमें जो सार दिया गया है उसको जरूर पढ़िएगा। चलिए मैं बहुत थोड़ा सा डिप में चला गया, यहाँ पे आंसर करेंगे गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार यहाँ पे ए है भारत का महान्यायवादी को, ठीक है। आंसर कर सकते हैं यहाँ पे, भारत का महान्यायवादी होता है ना तो संसद का सदस्य होता है और ना ही किसी मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में अथवा किसी भी समितियों के बोल सकता है, ठीक है, यहाँ पे इनको अधिकार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं भाई, चारों ऑप्शन दिखना चाहिए। चलिए, किसी राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करने में केंद्रीय सरकार का निहितार्थ निम्नलिखित में से क्या होता है? आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, केंद्रीय सहायता और अधिकांश प्रतिशत सहायता अनुदान में रूप में होता है और यहाँ पे कुल सहायता का प्रतिशतता के रूप में ऋण की राशि कम होती है, यानी ये एक से ज़्यादा उत्तर है, ऑप्शन ई होना चाहिए था यहाँ पे, जो कि यहाँ पे आंसर आपको डी होगा दोस्तों, एक और बी दोनों सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, ऐसे युगल जिसका रुधिर वर्ग ए और बी है तो बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग पाया जाएगा? चलिए आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 का, चलिए आंसर कीजिएगा। जी हाँ, अगर आप में, जी हाँ, अगर रुधिर वर्ग यानी कि ब्लड ग्रुप ए और बी है तो आपके बच्चों में कौन से ब्लड ग्रुप पाए जाएंगे ये पूछा गया है, तो ये कुछ भी हो सकता है, ए बी, ए बी या ओ, इट्स नॉट डिपेंड ऑन द, ठीक है, अनुवांशिकता, ठीक है, याद रखिएगा ये आपके अनुवांशिकता के अनुसार नहीं होता है, ये उसका ब्लड ग्रुप कुछ भी हो सकता है, इसलिए डीएनए एक चीज़ होता है जिसके जरिए आपको पता लगा सकते हैं कि वो आपका बच्चा है या नहीं, लेकिन इस ब्लड ग्रुप के जरिए आप नहीं बोल सकते हैं कि वो आपका ही बच्चा है। क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों, चंडीगढ़ से सवाल है, चंडीगढ़ देखिए केंद्र शासित प्रदेश होता है, आप उत्तर कीजिएगा चंडीगढ़ की राजधानी कहाँ होती है? बिल्कुल चंडीगढ़ ही होती है, ठीक है। देखिए चंडीगढ़ पर्यटन के केंद्र से देखा जाए तो रोज गार्डन, रॉक गार्डन, शांति कुंज, झील, संग्रहालय, आर्ट गैलरी, नेशनल गैलरी, ये सारे फेमस हैं यहाँ पे। लेकिन चंडीगढ़ में सन 1966 में, नोट कर सकते हैं, सन 1966 में, जी हाँ, केंद्र शासित क्षेत्र बनाया गया इसको, यह पंजाब और हरियाणा दोनों का एक कंबाइंड राजधानी भी है और खुद का भी राजधानी है, केंद्र शासित प्रदेश है और खुद का भी राजधानी है। तो यहाँ पे बोला गया है कि चंडीगढ़ का वास्तुविद ले कॉर्बुलिजियर किस देश का नागरिक था? वास्तुविद था ये, ठीक है, ये था दोस्तों फ्रांस का, डी उत्तर कर लीजिएगा यहाँ पे, इज द राइट आंसर। दोस्तों फ्रांस की राजधानी कहाँ होती है नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें जल्दी से बताएं। जी हाँ, फ्रांस की राजधानी कहाँ होती है जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए, चलिए फटाफट देखते हैं, यहाँ पे 50 प्रश्न हैं यार, मजा आ रहा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, है ना, और बिना रुके नॉन स्टॉप इन 50 प्रश्नों को अपने को देखना है,
ठीक है। और यहाँ पे आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 24 का, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है। आंसर कीजिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है, तो आंसर कीजिएगा दोस्तों टेटनस। जी हाँ, आंसर डी कर लीजिएगा दोस्तों, डी टेटनस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। यदि मांग की आय लोच एक से अधिक है तो वस्तु क्या होगी। ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा समझने लायक है क्योंकि इकोनॉमिक से क्वेश्चन आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए, वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप जो भी आपकी मांगे होंगी, जी हाँ दोस्तों, उसको परिवर्तन की दिशा और माप के मांग की कीमत से या लोच से दर्शाते हैं। इसको किससे दर्शाते हैं, तो लोच से दर्शाते हैं। किस लिए दर्शाते हैं, तो याद रखिएगा उसकी आवश्यकता के अनुसार। ठीक है, आंसर क्या करेंगे, ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 पे। शुष्क सेल में एनोड क्या होता है, शुष्क सेल में एनोड क्या होता है, शुष्क सेल में एनोड क्या होता है, आंसर कर दीजिएगा यहाँ पे, जस्ता को कहते हैं भाई, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, शुष्क सेल में जो प्रयुक्त विद्युत अपघटन विलयन होता है वो क्या होता है, तो शुष्क अवस्था में रहता है और जिसमें जस्ते का एक बर्तन होता है और इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड और नौसदार कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण भी यहाँ पे रहता है। बी उत्तर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है। चलिए आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 का, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है, ये है दोस्तों इट्स अ बी, हीमोफीलिया इज द राइट आंसर। बी हीमोफीलिया इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नोट कर सकते हैं दोस्तों, मनुष्य में दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखिए, मनुष्य में कई लिंग संलग्न गुण होते हैं जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, गंजापन यानी कि जिसे हम लोग ब्लाइंडनेस कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, तो इसमें से ये सारे रोग हैं, लेकिन वे जो भी हीमोफीलिया के बारे में होता है यहाँ पे, वो व्यक्ति को चोट लगने पर आधा घंटा से 24 घंटे तक का रक्त जो है वो थक्का नहीं बनने देता है। आंसर क्या करेंगे, बी कर लीजिएगा, इट्स द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 पे, निम्नलिखित में से विटामिन B1 कौन सा है, B1 कौन सा है भाई, यहाँ पे जल्दी से बता दीजिएगा, 28 का उत्तर कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और विटामिन B1 है दोस्तों, यहाँ पे नोट कर सकते हैं दोस्तों, थाइमीन। जी हाँ, बी इज द राइट आंसर, विटामिन B1 का एग्जांपल यहाँ पे थाइमीन है। इससे बीमारी कौन सी होती है विटामिन B1 की कमी से, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। बेरी बेरी, स्रोत है मूंगफली, तिल, सूखी मिर्च, बिना धुली और दाल, यकृत, अंडा या सब्जियों को में पाया जाता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इन सब का सेवन करना, ये स्रोत हैं। ठीक है, चलिए विटामिन ए के बारे में अगर पूछे हुए हैं कि रासायनिक नाम क्या है इनका, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, याद रखिएगा। ठीक है, रेटिनॉल विटामिन ए का नाम है। अच्छा, विटामिन सी का क्या नाम है रासायनिक नाम, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन बता चुका हूँ यार आपको, आप लोगों सभी को बता चुका हूँ, ऐसे मत कीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए कम से कम। इतने मतलब 100 टेस्ट से ऊपर टेस्ट दे चुका हूँ आप लोगों को, यहाँ पे क्वेश्चन तो बनता है पूछना मेरा, यहाँ पे कोई गलत नहीं करूँगा अगर पूछूंगा तो। विटामिन सी को कहते हैं रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, लिख लीजिएगा। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, बिल्कुल बिल्कुल, कैल्सोफेरोल इज द राइट आंसर दोस्तों, बहुत सही उत्तर कर रहे हैं। चलिए, कैल्सोफेरोल अगर उत्तर कर रहे हैं तो विटामिन डी को कहते हैं रासायनिक नाम। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन लास्ट में और पूछ लेता हूँ, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, जल्दी से बता दीजिए, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। जी हाँ, नेफ्थोक्विनोन, नेफ्थोक्विनोन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। कूना किस देश की सरकारी समाचार एजेंसी है, कूना जो है किस देश की समाचार एजेंसी है, जल्दी से उत्तर कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। कूना जो है एक एजेंसी है, समाचार की एजेंसी है, यानी कि ये पत्रकारिता से संबंधित है। आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, इट्स ए, कुवैत। याद रखिएगा कुछ समाचार एजेंसियों के नाम मैं बता रहा हूँ जो कि आप लिख लीजिए यहाँ पे, वो अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं। यूनाइटेड किंगडम का सबसे इंपॉर्टेंट है राइटर, इसका नाम लिख लीजिएगा, राइटर सबसे फेमस है वहाँ का। रशिया का पूछे तो तास, है ना, रशिया का पूछे तो तास। मलेशिया का पूछे तो बरनामा, लिखते रहिए, मलेशिया का पूछे तो बरनामा। इटली का पूछे तो अंसा, इसराइल का पूछे तो इतलिम, और फिलिस्तीन्स का पूछे तो वाफा, जापान का पूछे तो कोयडा, चीन का पूछे तो सिंहुआ, और भारत का पूछे तो यूनिवार्ता। बस इतना काफ़ी है, अगले पे चलते हैं। चलिए, राज तरंगिणी में किस क्षेत्र का इतिहास वर्णित है। चलिए, इतिहास से कुछ प्रश्न भी जुड़े हुए हैं यहाँ पे, और आधुनिक भारत का इतिहास आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं दोस्तों। चलिए, थोड़ा सा वीडियो लेट मिले तो माफ़ कीजिएगा आज आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर कीजिएगा, कश्मीर इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। कश्मीर जो है दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है दोस्तों, ठीक है, जम्मू कश्मीर को, एक लद्दाख बना है और एक जम्मू कश्मीर बना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। ठीक है,
कश्मीर की राजधानी दोस्तों, यहाँ पे जम्मू कश्मीर की राजधानी होती है श्रीनगर, लद्दाख की राजधानी होती है करगिल। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 31। चंद्रगुप्त मौर्य कालीन सामाजिक राजनीतिक जीवन एवं अन्य विषयों पर प्रमाणित रचना निम्नलिखित में से कौन सी है? आंसर कीजिएगा जल्दी से। चंद्रगुप्त मौर्य कालीन सामाजिक राजनीतिक और जीवन के अन्य विषयों पर यहाँ पे प्रमाणित रचना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आंसर कीजिएगा इंडिका। जी हाँ, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2020 क्रिकेट विश्व कप में पहला शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन सा है? देखिए क्वेश्चन बन चुका है एग्जाम में, चलिए आंसर करेंगे भाई जल्दी से यहाँ पे आप लोग। क्रिस गेल इज द राइट आंसर, क्रिस गेल इज द राइट आंसर, वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। भारत में बाहर जो है पहला प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया गया है? चलिए भारत से बाहर पहला प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है दोस्तों न्यूयॉर्क में। चीएम प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन महात्मा गांधी जो हैं स्वदेश लौट कर आए थे अपने। जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 34। आर्यों के भारत आने से पूर्व यहाँ कौन सी आदिम जाति निवास करा करती थी? चलिए आंसर कर दीजिएगा दोस्तों फटाफट यहाँ पे। जी हाँ, उसका नाम था, जी हाँ, द्रविड़। जी हाँ, द्रविड़ जो है यहाँ के मूल निवासी भी माने जाते हैं। ये एक आदि जनजाति है, ठीक है, दक्षिण भारत में निवास करती है, ठीक है, और ये यहाँ भारत की मूल निवासी यही होते हैं। आर्य तो हम लोग बाहर से आए हैं। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से ग्रहों को उनके उपग्रहों की संख्या अवरोही क्रम में सही सही बताएं। चलिए बताते हैं आपको यहाँ पे। देखिए पहले अगर देखा जाए तो शनि है, उसके बाद देखा जाए तो बृहस्पति है, उसके बाद देखा जाए तो वरुण है, और फिर मंगल है। ये आपका सही क्रम है 3, 2, 1, 4। 3, 2, 1, 4 आंसर डी कर लेंगे, बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। पृथ्वी की विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? पृथ्वी की विषुवतीय व्यास लगभग 12,750 किलोमीटर है। लिख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। आंसर बी हो जाएगा, इट्स अ बी, सॉरी, आंसर क्या हो जाएगा, इट्स अ बी, 12,750 है। लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, पृथ्वी की विषुवतीय व्यास लगभग कितनी है? तो 12,750 है। चलिए अच्छा, ये जबकि ध्रुवीय विस्तार अगर पूछे तो 12,713 बोलिएगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे अगर पूछे क्या ध्रुवीय विस्तार तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन नंबर 37। वृत्ताकार आकृति वाला यूएसएसआर द्वारा सर्वप्रथम छोड़ा गया भू उपग्रह कौन सा था? चलिए वृत्ताकार आकृति वाला यूएसएसआर द्वारा सर्वप्रथम छोड़ा गया एक भू उपग्रह कौन सा था? याद रखेंगे, इट्स ए, स्पुतनिक। आंसर क्या हो जाएगा, इट्स ए, स्पुतनिक इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 दोस्तों, उपग्रह की कक्षीय अवधि समानुपाती होती है, उपग्रह की कक्षीय अवधि समानुपाती होती है। जी हाँ, रेडियस इसका बताएं तो दोस्तों R 3/2 होता है। आंसर हमारा ए हो जाएगा, नोट कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। बहत कहाँ का मुद्रा है? चलिए आंसर कीजिएगा, बहत कहाँ की मुद्रा है? देखिए कुछ मुद्राओं के नाम मैं बताऊंगा अभी, उसको नोट कर लीजिएगा अगर कॉपी कलम लेके बैठे हैं तो। जी हाँ बिल्कुल, ये थाईलैंड की मुद्रा है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा लेबनान की मुद्रा क्या है? लेबनान की तो पाउंड है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, पाउंड है। अच्छा जॉर्डन का तो दिनार है, याद रखिएगा। सऊदी अरब का तो रियाल है, ठीक है। सिंगापुर का तो सिंगापुरी डॉलर है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमीरात का तो दिरहम है, अमीरात का पूछे तो यूएई का है ना, दिरहम है, ठीक है। भारत का रुपया है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। ग्लेशियर में बर्फ हमेशा निम्न में से कहाँ से पिघलती है? चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह कहलाने वाली वातावरण को संघनित होने के कारण सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें परिवर्तित नहीं हो पाती हैं, इसके फलतः वातावरण गर्म हो जाता है, जिस कारण से यहाँ पे दोस्तों जो ग्लेशियम की निचली सतह के बर्फ वह पिघल रही है। आंसर क्या कर देंगे यहाँ पे, जी हाँ, सबसे निचली सतह पर से, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41। दुआब शब्द का आप क्या समझते हैं? दुआब शब्द से आप क्या समझते हैं? देखिएगा, आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स दो विभिन्न नदियों की व्यवस्था के बीच की भूमि को कहते हैं दुआब। सी इज द राइट आंसर, बहुत सही उत्तर कर रहे हैं अगर आप लोग सी उत्तर कर रहे हैं तो। जी हाँ, जो दोस्तों नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जलप्रपात का जल किस सतह पर गिरता है? जी हाँ, उसको कहते हैं गड्ढा, वहाँ एक गड्ढा बनता है जिसे कि अवमनन कुंड कहते हैं। क्या कहते हैं? अवनमन कोट कहते हैं, कुंड कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 दोस्तों, वेदांतगल पक्षी विहार अवस्थित है, ये तो क्वेश्चन में बता चुका हूँ, और स्टैटिक जीके का वीडियो देखिएगा। देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि स्टैटिक जीके का अगर आप लोगों को वीडियो देखना है ना, तो दो
प्लेलिस्ट बने हुए हैं, एक 2019 का है और एक 2020 का है। तो 2019 वाले में जाइएगा ना, तो वहाँ पे आपको वन्य अभ्यारण्य से रिलेटेड सारे मैंने जो वीडियो हैं वो दिए हुए हैं, तो उस वीडियो को देखिएगा खासकर, ठीक है। और सुबह के 9 बजे का जो वीडियो दिया जा रहा था उस प्लेलिस्ट को खासकर देखिए आप लोग जाके, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए वहाँ पे। आंसर कीजिएगा दोस्तों, 8 तमिलनाडु इज द राइट आंसर। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ होती है दोस्तों? चेन्नई होती है सर, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्रिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? ये सारे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, बीपीएससी का है ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो नागपुर आंसर कर लीजिएगा। महाराष्ट्र का एक शहर है नागपुर। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ होती है दोस्तों? तो मुंबई होती है सर, यहाँ पे नोट कर सकते हैं। 43 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? नागपुर इज द राइट आंसर। लेकिन कुछ संस्थान के नाम आप लोगों को जानना जरूरी है, जैसे राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान है दोस्तों लखनऊ में। अच्छा, राष्ट्रीय सोयाबीन का अनुसंधान कहाँ है? सोयाबीन का सबसे ज़्यादा खेती देखिए मध्य प्रदेश में होता है, इसलिए इंदौर याद रखिएगा, जो कि उसका कैपिटल सिटी कहा जाता है, ठीक है। कैपिटल सिटी भोपाल है, लेकिन इकोनॉमिकल कैपिटल सिटी इंदौर कहा जाता है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर है, ये आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है? चलिए, गर्म धारा के बारे में आपको क्वेश्चन बहुत बार बता चुका हूँ, ब्राज़ील की धारा जो कहते हैं, बी जिनका उत्तर आ रहा है यहाँ पे, ब्राज़ील धारा है, नोट कर सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल बहुत सही उत्तर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, वेनेजुएला का जो धारा है वो कैसा है? तो ठंडा है। मोजाम्बिक का जलधारा गर्म और स्थायी है। अच्छा, जो हमारा फ्लोरिडा का जलधारा है वो बिल्कुल गर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे ऑप्शन नहीं है उसका, नहीं तो यहाँ पे ब्राज़ील का जो धारा है ये क्या है? तो ये भी गर्म धारा है। क्वेश्चन नंबर 45, लोयस किस प्रकार की मिट्टी है? लोयस किस प्रकार की मिट्टी है? जल्दी से आंसर कर दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे लोयस जो है किस प्रकार की मिट्टी है? बिल्कुल आंसर कीजिएगा, इट्स अ पवन निक्षेपित इज द ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल लागू किया गया है? आंसर कर दीजिएगा यहाँ पे दोस्तों, 46 का इज द 1909 में, ए इज द करेक्ट आंसर। जिनका उत्तर ए आ रहा है आंसर करेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। चलिए देखिए, ये मुसलमानों के लिए जो समुदाय है उसको पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए थे। केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या करीब 10 से बढ़ाकर 60 कर दी गई थी दोस्तों, इसलिए ये निर्वाचन क्षेत्र 1909 में बनाया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं दोस्तों, वित्तीय उदारिकता अधिनियम का उद्देश्य अधिनियम किसके अनुसार होना चाहिए? बिल्कुल आंसर करेंगे सी, यहाँ पे राज्य सरकारों को केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन के प्रति उत्तरदायी बनाना चाहिए, बिल्कुल सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? नहीं बोला गया है, देखिए नहीं बोल दिया गया क्वेश्चन में, आंसर सोच के दीजिएगा यहाँ पे। बिल्कुल 48 का आंसर करेंगे दोस्तों, देखिए वस्तुओं और सेवाओं यानी कि जो सर्विस और जो आपके जो प्रोडक्ट हैं है ना, उनमें उत्पाद की तुलना में अगर देखा जाए तो मुद्रा की आपूर्ति में तीव्र वृद्धि मुद्रास्फीति का कारण होती है। तो यहाँ पे आप उत्तर करिएगा, ब्याज के दर में जो कम करना है ये यहाँ पे इसका कारण नहीं है, नियंत्रण करने का कारण नहीं है, सी उत्तर कर लीजिएगा, बाकी ये सही तीनों है, ठीक है, इसके विधि को नियंत्रण करने के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं, उत्पादन के चार कारक हैं, ए भूमि श्रम पूंजी और संगठन, याद रखिएगा आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 जो कि आज का आखिरी प्रश्न है, आंसर यहाँ पे फटाक से दीजिएगा क्योंकि ये देश बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जब थे तो गोह नामक गांव में पैदा हुए थे ये, वो कहाँ स्थित है? तो प्रधानमंत्री जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उनका जन्म स्थल पाकिस्तान में है दोस्तों, बी इज़ द राइट आंसर। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद होती है और यहाँ के अभी तत्कालीन जो प्रधानमंत्री हैं दोस्तों, लिख लीजिएगा वजीर आलम, सॉरी माफ़ कीजिएगा, नॉट अ प्रधानमंत्री, ये है इमरान खान, जो कि एक पूर्व क्रिकेटर भी रह चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। तो आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था, यहाँ से आपने कितने उत्तर सही किए, 103 नंबर का सेट आपको पहुँचा दिया गया है। वीडियो थोड़ा लेट मिला होगा तो माफ़ी चाहते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों, और कम से कम एक लाइक तो बनता है आपका यहाँ पे। चलिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।